सारी दुआओं की जरूरत है, प्लीज बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए कि आगे चलता रहे, ऐसे 1400 और स्टोर्स मिल जाए और भी 5 स्टोर और बहुत जल्दी अगर आपको ब्लेसिंग मिली तो 1400 और। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन यार के लिए, और कैसा कलेक्शन लगा आपको? रिएक्शन बहुत ही अच्छा है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत ही अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं मुझे और उसके लिए मैं बहुत। कलेक्शन किस तरह से लगा आजकल? आज का कलेक्शन ये वाला बहुत ही कमाल का है, रश्मि का इनफैक्ट कलेक्शन हमेशा ही बहुत अच्छा होता है। वैसे रश्मि जनरली लड़कियों के लिए डिजाइन करती हैं, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए भी अक्सर रश्मि ही डिजाइन करती हैं, वो स्पेसिफिकली मेल्स का करके, और उनका टेस्ट उनका चॉइस बहुत अच्छा है, वो आप देख सकते हैं ओवरऑल स्टोर में भी आप देख सकते हैं, जो इंटीरियर किया वो भी रश्मि ने खुद सच्ची तो शी इज वेरी गुड एट इट। और मैम मतलब पर्सनली कभी भी ऐसा होता है कहीं मुझे अर्जेंटली भी इवेंट में जाना है तो मैं ये भी नहीं देखता कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, वो जो देती है पहन के चले जाता हूँ, वेरी सॉर्टेड। आज आप यहाँ पर आए, आपने कुछ पसंद किया एक किसके लिए? हाँ, मैंने अपने लिए ऑरेंज सूट पसंद किया है मैंने अपनी टीम के लिए पहनने वाले हो नहीं नहीं मम्मा के लिए पसंद कर रहा हूँ, मम्मा आएंगे मम्मा खुद पसंद करेंगे वैसे तो अपने लिए, एंड अपनी टीम के लिए मैंने पसंद किया। बहुत सारे एक्चुअली इतने सारे ऑप्शन है आपके पास और इतने कलरफुल हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सा नहीं कौन सा नहीं। अच्छा, आपने इतने कैरेक्टर करते हो, अगर आपको मौका मिलेगा कोई अगर मैम आपके लिए डिजाइन करे लेडीज के लिए, कौन सा आप किस तरह का बनाएंगे इनके लिए अगर कैरेक्टर के लिए अगर एक आपके पास अपॉर्चुनिटी आए? ये तो बस मुझे बता देते कि इवेंट कौन सा है और कौन सा नहीं है, अगर उन्हें मेरा ही पहनना होता है तो वो बोलते हैं रश्मि बना दे, अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं इमीडिएटली बता देती हूँ। लेडीज वेयर के लिए बोल रहा हूँ, लेडीज वेयर मेरे लिए क्यों? कौन सा कैरेक्टर कैरेक्टर कैसा किरदार मिलेगा? नहीं नहीं किरदार मिलेगा तो डेफिनेटली रश्मि मेरे लिए साड़ी सूट सब बना देगी, जो वो चाहेंगे वो बन जाएगा वैसे, बट वो वैसे करेंगे नहीं 100% तो मैं करने नहीं दूंगी। लास्टली आपसे जानना चाहेंगे सर, मैम का 14th इयर्स है, क्या गुड विशेस देना चाहेंगे आप? मैं हमेशा से ही रश्मि के लिए, रश्मि लाइक अ फैमिली टू मी, वो दोस्त नहीं है मेरी फैमिली है डेफिनेटली, एंड ब्लेसिंग्स तो सारे टाइम निकलती रहती हैं, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इट्स बीन 14 इयर्स, पता नहीं चलता कैसे कैसे टाइम निकल जाता है। रश्मि को मैं इतने सालों से जानता हूँ, देखो हम लोगों ने कितनी सारी एनिवर्सरी साथ सेलिब्रेट कर ली आर्या की, अभी हम लोग और बहुत सारे स्टोर्स लेके आ रहे हैं आर्या के, एंड मैं चाहता हूँ जैसे 14th ईयर एनिवर्सरी है वैसे 1400 स्टोर्स और खुल जाएं बहुत जल्दी से और हम सब लोग वहाँ पे बार बार मिले। अच्छा पल भाई, काफी अप्रिशिएट किया गया आपके रोल को यारिया 2 में, और फैन जब आपके वीडियोस आते हैं तो फैंस के ये भी कमेंट्स आने लगते हैं कि इसके बाद क्या, मतलब कौन सी मूवीज आने वाली इसके बाद, क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी अनाउंस नहीं कर सकता, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल होता है कि जब तक अनाउंसमेंट ना हो जाए कुछ बता नहीं सकते, लेकिन मैं शूट शुरू कर चुका हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, वो भी मैं बताऊंगा डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा सब्र करो, सब्र का फल मिलेगा जल्द आने वाले फैंस के लिए। थैंक यू बेस्ट विशेस देना चाहूंगा जितने भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ वहाँ पे, मुझे तो एक्चुअली कल ही पता चला अंकिता है बिग बॉस में, तो उसके लिए बेस्ट विशेस, और जितने भी लोग हैं सबके लिए बेस्ट विशेस, आप लोग अच्छे से खेलें, लड़ाई झगड़ा कम करें। क्या कर रहे हो? खेल तुम मोबाइल थोड़े पीछे से जो है यार, आप दोनों का श्रद्धा जी और पल जी, चलो थैंक यू, थैंक यू। सदा जी एक मत रुको, सदा जी भाई पर मत सरकना भाई तू यार, सदा जी सदा जी एक मिनट भाई, एक मिनट बोल भाई, सदा जी सर, एक दोनों जन का दोनों जन बोला सकता है,
एकदम सामने आपके सामने चलो थैंक यू शुक्रिया थैंक यू शुक्रिया।